से ना हो पाएगा। हाँ तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। आई विश आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों का रैंक पुश भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो आज की वीडियो में गाइस हमारे दो गेम प्लेज हैं और गाइस उन गेम प्लेज में गाइस हमारी जो फाइट है वो हैकर के साथ होगी और लाइक हम किस तरह हैकर लॉबी में सर्वाइव करते हैं तो वो भी देखेंगे। तो बात करते हैं गाइस हम पहले इस वाले गेम प्ले की। अब यहाँ पर गाइस मैं आराम से होल्ड करता रहता हूँ, कितने में सामने से एक बंदा आता है बाइक लेके, तो उसे हम इजिली मार देंगे। और उसे मारने का जो जोन था वो हम पे था नहीं, तो यहाँ से मैं सीधे जोन के लिए निकल जाता हूँ। और यहाँ पर गाइस मुझे जोन में एक अच्छा कंपाउंड मिल चुका था, तो मैं और ये खाली भी था कंपाउंड और यहाँ पर कोई था भी नहीं, तो मैं आराम से यहाँ पर आता हूँ और पहले तो इसे चेक कर लेता हूँ लाइक यहाँ पर कोई बंदा है तो नहीं। बट यहाँ पर गाइस जो बिग हाउस है उसमें बंदा था, तो फिलहाल के लिए मैं आराम से होल्ड करता रहता हूँ। बट थोड़े टाइम बाद गाइस जो जोन है वो अगेन हम पे ही बनता है, तो मैं सोचता हूँ कि हमें वो बिग हाउस चाहिए। और गाइस जो बिग हाउस था उस पर जो बंदा था गाइस वो मुझे लेजिट लग रहा था, तो मैं ट्राई करता हूँ कि चलो इस पर पुश करते हैं और इसे मारने का ट्राई करते हैं और इस बिग हाउस को होल्ड करते हैं। यहाँ पर गाइस मैं इस बंदे पर पुश कर देता हूँ और अभी आप देखना गाइस इससे हम किस तरह फाइट लेंगे। अब यहाँ पर गाइस इसे हम इजीली मार लेंगे और इसे मारने गाइस मेरे पास लूट थोड़ी कम थी, मैं फटाक से इसकी पेटी से थोड़ी अपनी लूट कंप्लीट कर लेता हूँ। अब गाइस मैं अपनी लूट कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके गाइस थोड़े बंदे ने स्पॉट करता हूँ ताकि किल्स वगैरह निकाल सकूँ। इतने में गाइस मुझे सामने वाला जो डबल चोरी है उस पर एक बंदा स्पॉट हो जाता है, तो मैं ट्राई करता हूँ उस पर एंगल लेने का बट मुझे मिलता नहीं है। इतने में गाइस यहाँ से बगी आती है। अब यहाँ पर गाइस मैंने इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज दिया था, तो मैं फटक से राइड जाता हूँ और इस पर थोड़े से नेट्स वगैरह ट्राई करता हूँ ताकि इसका किल निकाल सकूँ। अब यहाँ पर गाइस ये बंदा मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा गड़बड़ लगा, बिकॉज जब मैंने इस पर नेट करना स्टार्ट किया तो ये ओपन में आ जाता है और मुझ पर एडीएस लेता है। तो यहाँ पर मुझे लगा कि लाइक इस पर अगर गलती से भी एमबॉट वगैरह रहा तो यहाँ पर मुझे इजिली मार लेगा। तो यहाँ पर गाइस इससे मैं बिल्कुल भी ओपन फाइट नहीं लेता हूँ, बस वेट करता हूँ कि इस बंदे को टीपी भी मारने का। और इतने में गाइस ये बंदा हमारे क्लोज इन भी आ चुका था लाइक कंपाउंड के, तो अभी देखना गाइस इस बंदे से हम कैसे फाइट लेंगे और इसको मारेंगे। अब यहाँ पर गाइस इस बंदे में कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था, तो इसे हम शॉटगन से इजीली मार लेंगे। और यहाँ पर गाइस एक लास्ट बंदा बचा था तो जस्ट हमारे सामने ही था, तो यहाँ पर मैं इस पर एक नेट ट्राई करूँगा अभी।
अरे तो गाइस इस बंदे ने भी हम पे नेट फेंक दिया था, बट यहाँ पर गाइस हमारा नेट एकदम परफेक्ट था, तो यहाँ पर हमें इजीली चिकन नहीं मिल जाएगा और इसमें इतना गाइस मुझे अच्छा खासा प्लस भी मिल जाता है। बात करते गए हम हमारे सेकंड गेम प्ले की। अब यहाँ पर गाइस इस लॉबी में मुझे स्टार्टिंग में पता चल चुका था कि लॉबी में एक हैकर है, लाइक एक नहीं दो से तीन हैकर होते ही है वैसे। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग के चार और पांचवा जोन कैसे तो सर्वाइव कर लिया और यहाँ पर मैं छठे जोन में सीधा जोन में आता हूँ और यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड था और यहाँ पर लकी कोई था भी नहीं। फिलहाल फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और आराम से होल्ड करता रहता हूँ। अब यहाँ पर गाइस मैं थोड़ा सा चेक करता रहता हूँ बिकॉज मेरे पास कार में थोड़ी एमओ कम थी, तो मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनसे हमें कितने एमओ मिल जाएगी। कितने में गाइस यहाँ पर एक बंदा आता है बाइक लेके और यहाँ पर गाइस इस बंदे को हम इजिली मार लेंगे। और यहाँ पर गाइस हमारे पास थोड़ी एमओ कम थी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे लूटने का ट्राई करता हूँ। कितने में गाइस हमें सामने वाले से एक बंदा स्प्रे देता है और एक गाइस ये वही हैकर है जो लॉबी में पूरे बंदों को मार रहा था। तो फिलहाल के लिए मैं आराम से चेक में आता हूँ और इसे थोड़ा सा स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ। अब गाइस यहाँ पर बहुत कम बंदे बचे रहते हैं और जो हैकर था गाइस वो मेरे सामने ही था, जस्ट बग्गी पास करके उसने वॉल्व का कवर बना लिया था। तो यहाँ पर मैं उसकी बग्गी का टायर फोड़ देता हूँ ताकि उसे अगर रोटेशन मारना हो तो वो ओपन में मारे और हम ओपन में पकड़ सके ईजिली मारने के लिए। अब गाइस इसे स्प्रे मारते समय गाइस यहाँ पर मुझे एक और बंदा उस स्पॉट था ओपन में जो गाइस वॉल के पीछे था, तो मैं ट्राई करता हूँ कि पहले इसे मारते हैं बिकॉज इसे मारना थोड़ा इजी होगा, बिकॉज हैकर को अगर मैं पिक लेता हूँ अगर उस पर एम बॉट वगैरह अच्छा खासा रहा तो मुझे इजीली मार लेगा। अब यहाँ पर गाइस हम अपने M4 के सिंगल टैप से इसे इजीली मार देंगे और गाइस यहाँ पर लास्ट तीन बंदे बचे हुए थे जिसमें से एक हैकर और एक बंदा गाइस उसका पोजीशन मुझे रिवील नहीं था। फिलहाल के मेरा ध्यान पूरा हैकर पे था, तो यहाँ पर मैं आराम से टिकट लेके बैठ जाता हूँ हैकर पे। कितने में गाइस जो लास्ट बंदा लाइक जो थर्ड बंदा है वो व्हीकल लेके सीधा हमारे कंपाउंड पे पुश कर देता है। अब यहाँ पर गाइस मैं उन दोनों के बंदों के बीच में था, तो मैं सोचता हूँ कि पहले थोड़ा सा राइट वाले बंदे को मारा जाए। तो मैं जैसे इस बंदे पे आता हूँ कितने में गाइस जो हैकर था वो उस बंदे को इजीली मार देता है और यहाँ पर गाइस उस हैकर ने हम पे क्लोज इन करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा डैमेज था, तो यहाँ पर मैं अपने आप को हील कर लेता हूँ फटाफट। अब गाइस मैं अपने आप को पूरा हील कर लेता हूँ और यहाँ पर गाइस इसके सामने हम थोड़ा सा इमोट वगैरह करेंगे। तो गाइस अभी आप देखना हम किस तरह से इससे फाइट लेंगे और चिकन ले लेंगे। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर।